स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग की क्या कहानी है, कैसे ही होती है। जो चार्ज रविंग के द्वारा उत्पन्न होता है उसे लाइटनिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन करना अब इजी है। आपने देखा होगा कि जब तेज आंधी तूफान आता है, मींस कि हवा के साथ, आंधी तूफान क्या होता है कि जब हवा के साथ बारिश आती है या बारिश जब आ रही होती है बहुत तेज और तेजी हवा चल रही होती है तो उसको कहते हैं बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है। तो ऊपर जो हवा के साथ जो बारिश आती है तो हवा तो ऊपर की ओर जाती है और बारिश की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि एयर और वाटर का जो चार्ज है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हवा ऊपर की तरफ चली जाती है और पानी बूंदों के रूप में नीचे की तरफ आता है, तो दोनों का चार्ज अलग अलग हो जाता है। एक प्रोसेस के द्वारा क्लाउड के अपर एजेस पर पॉजिटिव चार्ज हवा के द्वारा मतलब इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज क्लाउड के लोअर एजेस पर इकट्ठा हो जाता है और नीचे ग्राउंड पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, मींस कि जब चार्ज ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो चार्ज इकट्ठा हो गया है, और क्योंकि हवा एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की तो वह उस चार्ज को रोक नहीं पाती, मतलब इतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है कि वो हवा उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, ग्राउंड का पॉजिटिव और क्लाउड का नेगेटिव जो चार्ज है वो आपस में टकराते हैं तो एक ब्राइट लाइट की एक रेखा साउंड के साथ क्रिएट होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब क्या, जो साउंड के साथ में जैसे कहते हैं बिजली चमक रही है, बड़ा तेज बाहर बिजली चमक रही है और पानी आ रहा है, तो वो एक साउंड के साथ में उत्पन्न होती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा गया है। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो या दो से अधिक, मींस घने बादल, जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा घने बादल हैं, तो घने बादल का मतलब है दो या दो से अधिक बादल जब होते हैं या घने बादल होते हैं और अर्थ के बीच में होता है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है। या कहा जाए कि जितने बादल घने होंगे उतना ही लाइटनिंग भी ज्यादा होगी। जब बहुत ज्यादा काले बादल होते हैं और उसके साथ में तेज आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा कि बिजली भी बहुत ज्यादा चमकती है, बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है, और जितनी ज्यादा लाइटनिंग होती है उतना हमारी लाइफ पर भी इसका असर पड़ता है। मींस ज्यादा तेज आंधी तूफान यदि आ जाए, थंडरस्टॉर्म आ जाए, तो थंडरस्टॉर्म से बहुत नुकसान होता है। इससे हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए, इसके लिए कुछ बातें बताई जाएंगी कि क्या डूज और डोंट हमें करने चाहिए, क्या चीजें जो हमें करनी चाहिए और क्या चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कभी आंधी तूफान आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है और ऐसे समय पे आप बाहर हैं घर से, अगर तो आपको क्या करना चाहिए। घर से बाहर हैं तो सबसे पहले ओपन प्लेस में नहीं रहना है, किसी भी सेफ जगह चले जाइए, किसी भी सेफ प्लेस आपको लगे कि जहां पे थोड़ा शेड हो वहां पे खड़े हो जाइए। कभी भी पेड़ के पास या किसी बिजली के खंभे के पास मत खड़े होइए ओपन एरिया में। इसके अलावा फाइंडिंग सेफ प्लेस कौन सा हो सकता है, किसी हाउस में आप चले जाइए या किसी बिल्डिंग के पास, और अगर आप कार में हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार के अंदर ही रहें, कार से बाहर ना निकलें थंडरस्टॉर्म के दौरान। और अगर आप किसी जंगल में, किसी जंगली एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो बड़े पेड़ के कंपैरिजन में छोटे जो पेड़ होते हैं, शॉर्टर जो ट्री होते हैं, उनके नीचे आप खड़े हो जाइए, क्योंकि बड़ा पेड़ अगर आंधी तूफान से गिरा तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए किसी छोटे पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए। और जमीन पर लेटने की जगह इस तरह पोजीशन में बैठिए जैसा कि एक पिक्चर है आपकी बुक में 15.6, उसमें दिखाया गया है कि अगर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया, इतनी तेज हवा चल रही है कि आपको लग रहा है कि आप पूरा हिल रहे हैं, और या फिर आप ऐसी जगह पर हैं जो आसपास आपके क्राउड नहीं है और आपको हवा एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर से लग रही है, तो उस कंडीशन में आप नीचे बैठ जाइए, लेटिएगा बिल्कुल भी नहीं। और जो बैठने की पोजीशन है वो इस तरीके से होगी जैसे कि आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है 15.6, उसमें बताया गया कि इस तरीके से आपको बैठना है। तो ये तो बात हो गई घर के बाहर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप घर पर हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी है कि टेलीफोन पर बात ना करें, यानी कि तार वाला कोई भी मोबाइल है, कॉर्डलेस है, कोई भी टेलीफोन है, उसका यूज ना करें। इसके कंपैरिजन में जो वायरलेस फोन है जैसे कि मोबाइल, उसका यूज आप कर सकते हैं। जिस समय पर थंडरस्टॉर्म आ रहा है उस दौरान बात ना लें, नहाए नहीं, या फिर रनिंग वाटर में कोई काम ना करें जैसे कि कपड़े धोना या कोई और काम जो रनिंग वाटर में हो रहा है, इस तरीके का काम ना करें। कंप्यूटर, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जो है उसको अनप्लग कर दें, क्योंकि कई बार लाइटनिंग के चक्कर में शॉर्ट सर्किट, जब हवा चलती बहुत ज्यादा तेज तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कभी कभी अगर हमारे प्लग लगा हुआ है टीवी कंप्यूटर का तो उनका भी फ्यूज उड़ सकता है, वो खराब हो सकते हैं, तो इसलिए उनको अनप्लग कर दें।
इसके अलावा बल्ब ट्यूबलाइट है, इसको हम ऑन रख सकते हैं, इससे हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये है कि क्या लाइटनिंग से बचने का कोई और तरीका है? मतलब डूज और डोंट्स तो हमें याद है, हमें समझ में आ गया क्या क्या चीज है, लेकिन इसके अलावा ये तो हमें सावधानियां जो रखनी है, लेकिन ये सावधानियां हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें याद है, लेकिन जब कभी आंधी तूफान आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो उस समय हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हर समय हमें सारी चीजें याद नहीं रहती है, क्योंकि थंडर स्टॉर्म कभी कभी आता है, तो हम उस समय सारी चीजें भूल जाते हैं कि भाई सारे जो इलेक्ट्रिक गैजेट है उन्हें अनप्लग करना है, रनिंग वाटर का यूज नहीं करना है, मोबाइल पे बात करनी है, टेलीफोन पे बात नहीं करनी, सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो क्या इसके अलावा कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इससे बच सकें, क्या इसका सोल्यूशन है? तो हाँ, इसका सोल्यूशन है, वो इसका सोल्यूशन जो है उसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाउस एक्सेट्रा इन सब में लगाया जाता है। इस तरीके की डिवाइस का यूज लाइटनिंग के इफेक्ट से बचने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी आजकल नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो बननी है, फ्लैट जो बन रहे हैं और जो हाउस बन रहे हैं, उन सब में इस लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस क्या है, कैसे लगती है? इसमें क्या होता है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उससे अधिक हाइट की एक मेटेलिक रॉड लगती है। मान लीजिए 5 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है तो लगभग 6 फ्लोर की हाइट के बराबर की एक मेटेलिक रॉड बिल्डिंग बनते में ही लगा दी जाती है, और जिसके एक एंड को जमीन में डीप में नीचे की साइड में दबा दिया जाता है और दूसरा ओपन एंड ऊपर छत पे रहता है, और ये बिल्डिंग के साथ साथ चलती है। जो बिल्डिंग स्टार्ट होती है तभी ये डिवाइस लगाई जा सकती है, बिल्डिंग बनने के बाद इसका लगना मुश्किल है। तो क्या होता है कि इसका एक एंड जो है जमीन में दबा दिया जाता है, दूसरा ओपन एंड ऊपर की तरफ रहता है, और ये ओपन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जिस समय पे थंडर स्टॉर्म आता है, जिस समय पे लाइटनिंग होती है, उस दौरान ये जो रॉड लगी हुई है क्या काम करती है, इसका जो ओपन एंड है जो छत पर है वो क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड में ट्रांसफर करने का इजी एक रूट प्रदान कर देता है, लाइटनिंग को एक रूट दे देता है, तो जो इसके ऊपर के पोल से ट्रांसफर होती हुई नीचे चली जाती है, एक इजी रूट प्रोवाइड करता है, और ये डिवाइस हमें थंडर स्टॉर्म के दौरान प्रोटेक्ट करती है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जिस समय पे थंडर स्टॉर्म आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है, उस समय पे इसे टच नहीं करना चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा नेचुरल फिनोमिना है वो है अर्थक्वेक। पहला नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी। नाउ वी विल टॉक अबाउट अर्थक्वेक। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है, और बहुत से नेचुरल फिनोमिना ऐसे हैं जैसे कि थंडर स्टॉर्म और इसके साथ आने वाले लाइटनिंग, साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा है कि इन सब चीजों के बाद थंडर स्टॉर्म आता है तो इसके साथ साथ क्या लाइटनिंग आ सकती है, साइक्लोन हो सकता है, इसके बारे में एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है। वेदर डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है कि भाई आज शाम को बारिश, तेज बारिश आएगी, या बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो सकती है, साइक्लोन आ सकता है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है। तो वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर इस तरीके के प्रेडिक्शन किए जाते हैं, पर एक नेचुरल फिनोमिना ऐसा है जिसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, या फिर कहा जाए कि वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई इस बारे में प्रेडिक्शन कर सके, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, और वो डिजास्टर नेचुरल फिनोमिना है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्थक्वेक। जी हाँ, अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। यह ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का लार्ज स्केल पर डिजास्टर करता है। छोटे छोटे भूकंप समय समय पर कहीं ना कहीं आते रहते हैं, मींस की भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जैसा कि कई बार भूकंप के झटके जो है आ जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, और जब न्यूज आती है या न्यूज़पेपर आता है या टीवी ऑन करते हैं तो पता चलता है कि थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, तब कुछ लोग, जिन लोगों को थोड़ा सा महसूस हुआ था, वो लोग बताते हैं कि हाँ कुछ ऐसा महसूस हुआ था लेकिन कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो भूकंप है वो आते रहते हैं, यानी भूकंप के झटकों को महसूस किया जाता है, लेकिन बड़े भूकंप जो है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। जैसा कि 2005 के गुजरात के भुज में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो इस तरीके के बड़े भूकंप कम आते हैं, लेकिन छोटे छोटे भूकंप के झटके जो है अक्सर महसूस किए जाते हैं, जो समय समय पर न्यूज़पेपर और मैं टीवी में न्यूज से पता चलते रहते हैं कि हमारे शहर में या किसी अन्य शहर में या किसी अन्य स्टेट में या किसी अदर कंट्री में कब भूकंप आया था। तो ऐसे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। आप अर्थक्वेक पर एक रिपोर्ट बना सकते हैं, मतलब कि मैगजीन या न्यूज़पेपर की हेल्प लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं आप कि अर्थक्वेक जो है कब आता है,
कैसे आता है, क्या रीजन है कि अर्थक्वेक आता है, और जब ये आता है तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, अर्थक्वेक जब आता है तो उसको कैसे मेजर किया जाता है कि कितनी स्पीड से आया था, कौन सी उसकी डिवाइस है जिससे उसे मेजर करते हैं, और इसका क्या इफेक्ट है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सब पॉइंटों को रख के हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिससे हमें अर्थक्वेक को समझने में बहुत हेल्प होगी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक है क्या। तो आप इस तरीके की रिपोर्ट तैयार कीजिएगा जिसमें अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में सारी चीजें हों। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली अर्थक्वेक है क्या है।